इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के करीब 12 घंटे बाद डॉक्टर कफील खान आखिरकार मथुरा जेल से मंगलवार देर रात रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर कफील खान ने बातचीत में बताया कि पिछले 7 महीनों में जेल में उनका समय कितना कठिन रहा। डॉक्टर कफील खान के अनुसार जनवरी में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें जेल लेकर गए तो पहले 5 दिन बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। उनके अनुसार ना तो उन्हें खाना दिया गया और ना ही पानी, साथ ही कुछ अजीबोगरीब सवाल भी पूछे गए। रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, उसे राजहट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरा राजा बालहट कर रहा है। यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कफील खान ने कहा कि जिस भाषण को भड़काऊ बताकर मेरे खिलाफ कार्यवाही की गई वो दिसंबर 2019 का था और मेरी गिरफ्तारी 29 जनवरी को हुई। बीच के समय में मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मेरे भाषण को भड़काऊ बताकर FIR दर्ज की गई है और ना ही मुझसे किसी तरह के सवाल पूछे गए। डॉक्टर कफील ने बताया कि गोरखपुर अस्पताल में हुए मामले को लेकर मुझे दूसरी जांच में 23 जनवरी को क्लीन चिट मिली थी। इसके बाद सरकार ने परेशान होकर मुझ पर इस तरह से कार्यवाही की जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या बच्चों को बचाना आतंकवाद होता है। बता दें कि कफील संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत करीब 7.5 महीने से मथुरा जेल में बंद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कफील को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे।